आर्थिक रीते नबड़ा वर्ग एटले के ईडब्ल्यूएस ने सरकारी नौकरियों में आपवामां आवती अनामत ने मंजूरी आपी दीधी छे। आर्थिक रीते नबड़ा वर्ग माटे 10% अनामत यथावत रहेशे। चीफ जस्टिस यू ललितनी 5 सभ्योनी बेंचमांथी 3 जजोए अनामतनी तरफेणमां 4-1 चुकादो आप्यो हतो। जस्टिस रविन्द्र भट्टे ईडब्ल्यूएस कोटा विरुद्ध पोतानो अभिप्राय आप्यो हतो। बाकीना 4 न्यायाधीशोए बंधारणना 103 सुधाराने समर्थन आप्यु हतु। सुप्रीम कोर्टे कह्यु के आ सुधारो बंधारणनी मूळ भावनानी विरुद्ध नथी। उल्लेखनीय छे के ईडब्ल्यूएस कोटामां जनरल कैटेगरीने आर्थिक आधार पर 10% अनामत मळे छे। आ निर्णयने पड़कारवामां आव्यो हतो। सुप्रीम कोर्टे अनामत पर स्टे आपवानो इनकार कर्यो हतो। आजे चीफ जस्टिसनो छेल्लो कार्यकारी दिवस पण छे। ईडब्ल्यूएस कोटानी मान्यताने पड़कारती 30 वधु अरजीओनी सुनावणी बाद कोर्टे 27 सप्टेम्बरे पोतानो चुकादो अनामत राख्यो हतो। मुख्य न्यायाधीश यू ललितनी आगेवानी हेठळनी 5 सभ्योनी बंधारणीय बेंचे आ मामले पोतानो चुकादो संभळाव्यो छे। नामदार सुप्रीम कोर्टे आजे ईडब्ल्यूएस नो चुकादो जे आप्यो छे ए चुकादाने वधावुं छुं, कारण के आर्थिक रीते पछात बधा समाजनी अंदर वर्गमां होय छे ए लोकोने अनामतनो लाभ मळे। अने अमे लोको जे 2014-17 सुधी लड्या अने त्यारबाद आ लड़तने सफळता मळी एना माटे मने विशेष गौरव छे के छेवाड़ाना गरीब व्यक्तिने पण अनामतनो लाभ मळशे। बीजी बात ए कहूँ के जयरे भूतकाल में अमे अनामत आंदोलन में आरक्षण मांगी रहा था त्यारे श्री कपिल सिब्बल कांग्रेस ना जे दिग्गज नेता एडवोकेट था एमनी साथे अमारे मुलाकात अने मीटिंग थई थी पाटीदार आंदोलन समिति नी। त्यारे एमने कायदेसरना प्रावधान बताव्या था कि आ रीते कांग्रेस अनामत आपसे, परंतु ए वखते भारतीय जनता पार्टी ना नेताओं एवं कहता था कि अनामत कोई संजोगों में आवी रीते मळी शके एम नथी। छता पण देशनी अंदर આજે જે લોકસભામાં બિલ પસાર કરીને ત્યારબાદ સુપ્રીમ કોર્ટની અંદર પણ આજે મોહર માગી છે એટલે મને પોતાને ખૂબ જ આનંદ છે અને આ ચુકાદાને હું વધાવું છું। જાન્યુઆરી 2019માં 103માં બંધારણીય સુધારા હેઠળ શિક્ષણ અને સરકારી નોકરીઓમાં ઈડબ્લ્યુએસ આરક્ષણ આપવામાં આવ્યું હતું। તામિલનાડુની શાસન પાર્ટી ડીએમકે સહિત અનેક લોકોએ સુપ્રીમ કોર્ટમાં અરજી દાખલ કરીને આને પડકારી હતી। સુપ્રીમ કોર્ટ દ્વારા જે ઈડબ્લ્યુએસને લઈને જે ચુકાદો આવ્યો છે એ ખૂબ જ આવકારદાયક છે અને હકીકતમાં જે અમારો સંઘર્ષ હતો, જે આંદોલનનો જે સંઘર્ષ હતો એનું જે પરિણામ હતું એ પરિણામમાં આજ સોનામાં સુગંધ ભરી ગઈ એવું હું કહી શકું। અને જે આપણા સમાજમાં આર્થિક રીતે પીછાતો જે બહુ જ મોટો વર્ગ છે એ વર્ગના લાભાર્થીઓને લાભ મળે એવા આશય સાથે હું દરેકને ખૂબ ખૂબ અભિનંદન આપું છું અને આ નિર્ણયને હું વધાવું છું। જય હિન્દ, જય ભારત।